नमस्कार जी। आज का मैटर ये है कि राजस्थान में ना एक समुदाय होता था जिसका नाम था रुदाली। और रुदाली का क्या काम होता था कि राजा महाराजाओं के यहाँ जब कोई मौत हो जाती थी या कुछ किसी का देहांत हो गया तो रोने के लिए रानियाँ महारानियाँ नहीं रोती थी, रुदाली समुदाय के लोगों को बुलाया जाता था जो विलाप करती थी, रोती थी, आए मर गया, मर गया, और ये वो, और कहाँ चले गए, ऐसे लंबे लंबे जो गीत गाए जाते थे ना रोते हुए, वो वाला कार्यक्रम करती हैं वो, क्योंकि रानी महारानी नहीं रोती भैया, सर पटक पटक के ऐसे वैसे, रानी महारानियाँ रानी महारानियाँ थी, तो रुदाली समुदाय को बुलाया जाता था। यहाँ तक कि ऐसा भी सुना गया है कि जैसे मुंडन होता है ना, मृत्यु के बाद सर मुड़ाए जाते हैं, तो इसके लिए भी लोग रखे हुए थे राजा महाराजा ने, राजा महाराजा गंजे नहीं होते थे, तो रुदाली और ये गंजा वाला जो है ना बिजनेस था राजस्थान में। तो भाई साहब क्या हुआ कि अब वो समुदाय अभी भी है, जैसे कई लोगों को रोने रुलाने के लिए, रोने के लिए ना सोशल मीडिया पे, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह पे रोने के लिए लोग चाहिए। तो कई लोग हैं जैसे मोदी का विरोध करना है या किसी बात का विरोध करना है तो खुद नहीं रोएंगे, उन्होंने बंदे रखे हैं रोने के लिए, रुदाली समुदाय वाले, वो आपके फ्रेंड भी दो चार हो सकते हैं, मेरे भी हैं दो चार, रोते रहते। तो वो रुदाली समुदाय में से कुछ बचे कुचे लोग इधर आ गए। तो जैसे NRC या ये जो चलता है CA वगैरह, और ये हो गया 370 हटा दिया, इस पे रोना है, अब ये इस पे रोना है, अलग अलग बातों के रोने के लिए CA में ये हो जाएगा, लोगों को निकाला जा रहा है वहाँ से, लाया जा रहा है, फलाना किया जा रहा है, और भाई साहब लोगों को NRC में, लोगों को देश में से निकाल देंगे, और तरह तरह का रोना, रो भैया रो भैया, और पता नहीं कितने लोग निकल गए अभी तक, कोई डाटा नहीं है भाई, जो यहाँ का नहीं है वो तो निकलेगा ना, तुम काहे डर रहे हो, पर रुला रुला के लोगों को सामने रो रो के रो, सब लोग कह रहे हैं यार पता नहीं क्या कर दिया मोदी सरकार। अब एक नया फूल आया है, वो है हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र में अब ये रुदाली समुदाय वालों को कर दिया उन्होंने एक्टिव कि भैया हिंदू राष्ट्र पे कुछ बोलो, रो मतलब हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र का मतलब ही नहीं समझ रहे लोग, वो सोच रहे हैं कि इसमें सनातनी जो हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे शिव जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, उनका देश होगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र सनातनियों का नहीं है, हिंदू एक कल्चर है, संस्कृति है, एक धर्म नहीं है। हिंदू राष्ट्र जो है वो एक ऐसा है जिसमें सबका साथ सबका विकास, वो मोदी जी वाला फंडा है। उसमें ये नहीं है कि आपकी पूजा पद्धति को बदला जाएगा या आपको जबरदस्ती किया जाएगा कि नहीं भैया जी आप ऐसे पूजा करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये और मुल्कों में होता है जिसमें क्या होता है कि वहां पे संविधान तो है पर वो संविधान संविधान को मानते नहीं है, उनका अलग ही चल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है वो होती है कि संविधान के अंदर में सबको रहना होगा, सबका धर्म अलग अलग होगा और सबको उसके बारे में जानकारी होगी, और ऐसा नहीं है कि कानून के हिसाब से काम होगा संविधान में जो लिखा हुआ है। ये नहीं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये कतई नहीं है कि सुबह उठो पूजा करो और भैया जी नहाने के बाद ये करो वो करो, जो हिंदू धर्म में होता है, जो सनातनी में होता है, ऐसा थोपा नहीं जा रहा है। इसमें होगा भैया सब अपने आराम से रहें, और जहाँ पे अगल बगल में देख लो उनके वहाँ पर उनका संविधान है पर वो लोग मानते नहीं हैं, उनके जो अपना कानूनी जो चलता है ना उनका, हिंदू राष्ट्र में ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र में सब लोग अपने पूजा पद्धति, रहना वहना, खाना ओढ़ना बिछाना सब करेंगे, लेकिन भारत के संविधान के तहत। मगर ये रुदाली वालों का क्या किया जाए, रुदाली वाले तो भैया रोने के लिए हैं। अब देखो 2024 में काम होता ना, टेंट वालों का काम आ गया, कुर्सी मेज पर्दा फूल माला, चुनाव आ गया, प्रचार हो रहे हैं। अब उसी दौरान में भाई साहब, यार माइक भी लटक गया, उसी दौरान में इनको भी काम मिलेगा, बोले तो रुदाली वालों को, रुदाली वाली अब इस टॉपिक पे रोना है, अब इस टॉपिक में रोना है, फेसबुक व्हाट्सअप, कुछ लोगों को पेमेंट मिल रही है, कुछ लोगों को गाजर दी हुई है, कई प्रकार की, आप खतरे में हैं, आप हिंदुओं से खतरे में हैं, कुछ गाजरें जो है ना मुफ्त में डरा डरा के कईयों को। भाई साहब डरना ही नहीं है ना, कई लोग हमारे यहाँ पे धर्म परिवर्तन भी देखो क्यों होता है, आधे लोग तो डर के मर गए बोल रहे मैं यहाँ था, मैं वहां था, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, और धर्म परिवर्तन हो गया, कुछ दबाव में, कुछ बिक गए, कुछ डर गए, कुछ टिके हुए हैं राजस्थान में आज भी।
कई लोगों से मिलोगे कहोगे हम लोग ना राजस्थान से निकले हुए हैं। एक कहानी और भी है इसके बारे में बताऊंगा कि कई लोग बोलते हैं यार हम लोग ना राजस्थान से निकले हुए हैं। ओ भाई मेरे निकले क्यों? कोई कह रहा मुगलों से डर के, कोई कह रहा किसी से डर के। ओ भाई आज भी टिके हम लोग राजस्थान में। हम भी चढ़ जाते पहाड़ों में, भग जाते उत्तराखंड, कहते हम भी राजस्थान से आए। ऐसा नहीं होता भाई, लड़ना होता है। और रुदालियों से सावधान, 2024 आ रहा है। जय हिंद।